हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। चलिए आज बनाते हैं पेंडल में मिलने वाली अष्टमी भोग, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और खाने में पूरा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं कब पेंडल से मिले ये खिचड़ी। तो उसी को ही आज हम आपको बना के दिखाएंगे कि घर में आप इसको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि पेंडल में बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम जितना दाल लिए हैं उतना ही चावल को लिए हैं। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम रेगुलर राइस को ही लिए हैं, छोटा दाना वाला। और यहाँ पर हम थोड़ा सा मूंग दाल को ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है ना गाइस, तो क्या होता है ना, कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो हम सारे को ऐसे ही भून के रख देते हैं। यहाँ पर ये आलू और पोटल को हम फ्राई कर लेते हैं। पोटल को तो फ्राई कर चुके हैं और आलू को भी कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में चावल और दाल को अच्छा से धो के 3 सीटी लगवा लेंगे। इसमें सिर्फ हम हल्दी और नमक डाल के इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। आप चाहें तो कोई हंडी कढ़ाई किसी में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग घर में तो बना रहे हैं इसलिए फटाफट हो जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पर ही प्रेशर कुक कर ले रहे हैं। पूरा बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा आपका खिचड़ी। यहाँ पर 3 ठो हम सीटी लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर प्रेशर कुक चढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हम हल्दी लगा के रख दिए हैं, हल्दी और थोड़ा सा नमक, फूल गोभी और आलू को। और हम वही कढ़ाई को ही ले लिए हैं जिसमें हम पोटल और आलू को भुने थे, तो इसी में ही हम फूल गोभी और आलू को फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हम लोग खिचड़ी तो पूरा बना ही ले रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो इसको हम लोग जहाँ तक हो सके 90% तक यहाँ पर हम लोग भून के ही इसको तैयार कर लेंगे, मतलब कुक कर लेंगे, ताकि ये बढ़िया सा गल जाए। यहाँ पर ये और एक कढ़ाई बैठा चुके हैं खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए और मसाला तैयार करने के लिए। तो रिफाइन ऑयल को डाल दिए हैं, 2 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून जीरा को डाल दिए हैं। और यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून जितना हींग को डाल देंगे। ये पाउडर वाला हींग है तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, ताकि इसका खुशबू बहुत बढ़िया आए। और आपके पास में अगर बहुत अच्छा वाला खुशबूदार हींग हो तो आप कम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च को कूट के रखे थे तो उसको डाल देते हैं। 1 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च को हम कूट लिए थे। अदरक और हरी मिर्च जले नहीं, इसीलिए हम क्या किए ना, जिसमें हम कूटे थे उसमें थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें सारे सूखा मसाला को डाल देंगे। उसका पहले टमाटर को डाल दिए हैं, यहाँ पर बड़ा सा एक टमाटर को ले लिए हैं। 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर को लिए हैं, क्योंकि हम पहले भी हल्दी पाउडर यूज़ किए हैं इसीलिए कम ही लिए हैं। और 1/2 टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिए हैं, ये सिर्फ कलर के लिए। अब इसको अच्छा से मिला लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और धनिया पाउडर को ले लेंगे। यहाँ पर जीरा पाउडर को 1/2 टीस्पून ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा मसाला का ज़रूरत नहीं है। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर को ले लिए हैं, क्योंकि हम सिर्फ 1 कप का ही बना रहे हैं इसलिए कम कम हम क्वांटिटी में मसाला को दे रहे हैं। अब टमाटर गलने तक हम लोग यहाँ पर सौटे करेंगे। टमाटर गलने के लिए हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून से कम हम गरम मसाला को दे दिए हैं। टमाटर फटाफट से गल जाए इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम नमक को भी डाल देंगे, और फूल को भी और आलू को भी इसी में ही डाल देंगे,
क्योंकि बिना सीजन वाला फूलगोभी है तो जल्दी गलता नहीं है, तो इसीलिए मसाला का साथ में इसको हम बढ़िया से सोटे कर लेंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल दिए हैं मसाला का हिसाब से, क्योंकि हम आलू फूलगोभी में भी नमक डाले थे और चावल और दाल में भी हम नमक डाले हैं, तो उस हिसाब से आप डालिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी दे के जो हम दाल चावल को उबाल के रखे थे उस सबको डाल देते हैं, और यहाँ पर तेज़पत्ता मेरे को बहुत परेशान कर रहा था तो हम उसको निकाल के फेंक दिए। अब इसको अच्छा से मिला लेंगे हम लोग। हम जब चावल दाल को हम प्रेशर कुक किए थे हम 3 डबल उसमें पानी दिए थे, तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। और इसको हम लोग अच्छा से मिला लिए हैं। अब इसमें हम देसी घी को डाल दिए हैं। दो टेबल चम्मच जितना देसी घी को डाले हैं। देसी घी से इसका खुशबू बहुत बढ़िया आएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देसी घी डालने से ही खिचड़ी का जो है टेस्ट पूरा अलग हो जाता है। बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पूरा पेंडल में जैसी बनता है वैसी ही बन के तैयार हुआ है। चलिए फटाफट से हम लोग अभी प्लेटिंग हम कर देते हैं। यहाँ पर हम प्लेटिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। खिचड़ी ले लिए हैं, आलू भुजिया ले लिए हैं, पोटल ले लिए हैं और थोड़ा खीरा भी ले लेंगे, और आमड़ा जो होता है ना, आमड़ा का चटनी बनाए थे उसको भी हम ले लिए हैं, उसको हम नहीं दिखाए हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा गाइस, और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि एंड जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।